IPL तो हम और आप सब लोग ही देखते हैं और IPL के ग्राउंड में IPL का शोभा बढ़ाते हैं Cheerleaders। इंडिया में ये Cheerleader IPL के जरिए ही आया है, लेकिन दिखने में सब कुछ ग्लैमरस लगता है, लेकिन इनके पीछे है कुछ राज जो सुन के शायद आप विश्वास नहीं कर सकेंगे कि ऐसा भी होता है या हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ रहस्य लाइव में, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत सारे Cheerleader इंडिया पे आकर IPL के समय परफॉर्म करके चले जाती है, लेकिन उन सब Cheerleader में कुछ ऐसे Cheerleader है जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं और सब कुछ उगल देते हैं अंदर की बातें। साउथ अफ्रीका, USA या सबके कुछ Cheerleaders थे जो ऐसे बात बताए थे, कोई अपने ब्लॉग पे के या तो कोई मीडिया पे। सभी लोगों का पहला जो कहना था वो था सिलेक्शन। Cheerleader का सिलेक्शन हर टाइम व्हाइट स्किन वाले Cheerleader को ही लिया जाते हैं, क्योंकि वो लोग ग्लैमरस लगते हैं और IPL के शोभा बढ़ाते हैं। ब्राउन स्किन या डार्क स्किन के Cheerleader बहुत ही कम लिए जाते हैं, मानिए 1%, और ये होता है रेसिज्म का एक बात है। इंडिया पे रेसिज्म बहुत फैल चुका है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े जगहों पे रेसिज्म जब होता है इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलते। इसके बाद आते हैं उन लोगों के एकोमोडेशन। प्लेयर्स को तो 5-स्टार होटल में रखा जाता है, और खुद BCCI या IPL गवर्निंग के कुछ भी लोग होता है वो भी 5-स्टार होटल में ही रहते हैं। और Cheerleader जितने ग्लैमरस होते हैं, हम सब सोचते हैं कि Cheerleaders भी 5-स्टार होटल में ही रहते होंगे, लेकिन नहीं। Cheerleader को कभी छोटे मोटे गेस्ट हाउस, 1-स्टार होटल यहाँ पर रखा जाता है ज्यादातर, जहाँ पर रूम ठीक ठाक से साफ सफाई नहीं होते। कुछ कुछ Cheerleader का कहना है कि कॉकरोचेस वाले रूम में उन लोगों को रखा जाता है और कंप्लेंट करने पे उन लोगों को रिपोर्ट करते जाता है, इसलिए सभी लोग ये सब सहन करते हैं। इनके बाद आते हैं कॉस्ट्यूम्स। इंडियन Cheerleader वहाँ पर अगर रखा जाता है तो उन लोगों को साड़ी या इंडियन कॉस्ट्यूम जो कि सेलर भी हो सकते हैं वो सब पहना जाता है, लेकिन फॉरेनर के लिए कॉस्ट्यूम होते हैं स्किनी और बहुत ही छोटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किन दिखाई दे, और इसके लिए फैन भी बहुत उत्सुक रहता है हमेशा और टीवी में भी अच्छे दिखाई देते हैं, और ये भी वन काइंड ऑफ रेसिज्म ही होता है। इसके बाद है आफ्टर पार्टी। कोई भी टीम का अगर मैच होता है तो उनके आफ्टर पार्टी में Cheerleaders को बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो क्रिकेटर्स रहते हैं वो लोग उनसे बदसलूकी से पेश आते हैं, और ये खुद Cheerleader ने बताई है, और जिन्होंने ये बात अपने ब्लॉग पे लिखे थे उसे डिपोर्ट कर दिया गया था, और ये बात हुआ था 2-3 साल पहले। इसके बाद आता है क्रिकेट का कनेक्शन। जो Cheerleaders होते हैं, ज्यादातर Cheerleaders क्रिकेट के बारे में कुछ जानते ही नहीं। कुछ Cheerleaders ऐसे भी है जो क्रिकेट का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, तो वो लोग आते कैसे हैं? Cheerleaders का एक एजेंसी रहता है, वो एजेंसी कॉन्टेक्ट करके Cheerleaders को बाहर से मंगवा लेते हैं और यहाँ पर आकर इंडिया पे परफॉर्म करते हैं IPL पे। जब बॉलीवुड के कुछ शूटिंग में फॉरेन गर्ल्स की जरूरत होती है तब भी इन Cheerleader को ही बुलाया जाता है, तो ऑल इन वन सर्विस देते हैं ये लोग। इसके बाद आता है सैलरी। Cheerleader का सैलरी कितना हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं? शायद हाँ या फिर शायद नहीं। पर मैच हिसाब से पेमेंट होते हैं Cheerleaders का, नॉर्मली $150 से $200 तक इनकी पेमेंट होते हैं, यानी लगभग 10,000 से 14,000 रुपए। कभी कभार Cheerleader एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में भी आ जाते हैं। मान लीजिए 14 मैच सब तो ही खेलते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल अलग से होता है, 14 मैच के लिए 2,00,000 रुपए का मान लीजिए पेमेंट दे दिया जाता है, लेकिन अगर सेमीफाइनल और फाइनल पर चला जाए तो कुछ कुछ फ्रेंचाइजीज है एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर परफॉर्म करना होगा ही, तो ये सब भी होता है। और ग्राउंड में तो सब लोग उन लोगों को ऐसे नजर से देखते हैं कि क्या बताए। Cheerleaders के कहना है कि कभी कभार लगता है कि वो लोग उसे मॉलेस्ट कर रहे हैं, लेकिन काम तो काम ही है, काम तो करना ही है। तो दोस्तों आपको क्या ये सब पता था? इसमें से सबसे शॉकिंग आपको कौन सा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों, मुझे जरूर कमेंट का।